हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस करूँगा और आपको पूरा क्लियर करके समझाऊँगा कि जो वर्टिकल आईसी 7804041 45 इस तरह जो आईसी, ये आईसी के बारे में। क्योंकि बहुत वीडियो वीडियो के अंदर बहुत दोस्त ने कमेंट किया है कि सर वर्टिकल आईसी चेंज किया है, वर्टिकल सप्लाई ओके है और वर्टिकल आईसी भी वोल्टेज सब कुछ ओके है, तब भी हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप ही बताएं कि सब कुछ वोल्टेज जब ओके होगा तो पिक्चर भी ओके होना चाहिए, तो क्या बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो में बनाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं ड्राइंग करके रखा है, आपको ड्राइंग लेके समझाऊंगा और मैं आपको पीसीबी लेके समझाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो में पूरा नॉलेज देने के लिए तो वीडियो लॉन्ग हो गया। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो में कुछ मिला है कि नहीं है, और आप और डिटेल्स जानना चाहता हो तो आप कुछ भी पॉइंट मिस हो गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं सर ये पोजीशन का आप और अच्छा करके क्लियर कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तब भी आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो आपका बहुत नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पीसीबी है और दोस्तों, ये पीसीबी चाइना पीसीबी है। ये जो मोटा वाला हीट सिंक आप देख रहे हो, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है और अधिकतर ये हीट सिंक का साथ ही ये वर्टिकल ऐसे देखा जाता है, ठीक है। अलग हीट सिंक का साथ भी वो हो सकता है, ठीक है। और इसका पिन देखिए, जो वर्टिकल ऐसे का पिन इधर उधर करके इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो ये किस तरह कनेक्ट, ये पिन को गंदे किया जाता है। फर्स्ट आपको ये सीधा रखना पड़ेगा और उसका ये जो इधर वाला ये 1 नंबर पिन होता है, ठीक है। और उसका बाद नीचे जो पिन चला गया वो 2 नंबर होता है और उसका वाला ऊपर ये 3 नंबर होता है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये 7 नंबर पिन का, 7 पिन का आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी के बारे में डिटेल्स बताने का पहले आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत फायदा होगा। तो चलिए, मैं एक ड्राइंग करके ही रखा है क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैं दो टाइप ड्राइंग किया, ठीक है। अब देख सकते हो, ये एक टाइप मैं ड्राइंग किया और ये एक टाइप मैं ड्राइंग किया, लेकिन ये जो आईसी है और ये जो आईसी सेम ही आईसी है। तो यहाँ पर मैं जो ड्राइंग किया फर्स्ट, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसलिए मैं बहुत ही छोटा ये जगह पर मैं इस टाइप ड्राइंग किया, ठीक है। तो दोनों ऐसे ही सेम ही नंबर का ऐसे है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, दोनों ड्राइंग में अलग करके रखा है क्योंकि दो अलग जो ड्राइंग है इसका वोल्टेज भी अलग है, ठीक है। और ये दोनों ऐसे एक ही सेक्शन पर यूज़ होते हैं, एक ही पीसीबी पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल्स आपको जो बताऊंगा आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा, मिली न्यू टेक्नीशियन को, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको जो देखाऊंगा, देखिए ये जो 7804040 का आईसी है, ठीक है। और 7804041 हो सकता है, 7804045 हो सकता है, 7814141 हो सकता है, ठीक है। ये सभी आईसी एक ही जगह पर काम करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 7804040 ये बहुत ही कॉमन आईसी है, ये बहुत पीसीबी पर देखा जाता है। लेकिन ये 40 का जो आईसी है ये नॉर्मल सीआरटी ट्यूब का अंदर यूज़ होता है, जिस ट्यूब का योक कॉइल मेनली राउंड टाइप होता है, ठीक है। ये राउंड टाइप जिस योक कॉइल होता है, ठीक है। और ये 41 और 45 और ये 41 वो अल्ट्रा स्लिम पर अधिक यूज़ होता है। तो अल्ट्रा स्लिम का योक कॉइल ये राउंड टाइप होता है, स्क्वाट सॉरी ये स्क्वाट टाइप होता है योक, ठीक है। इसका जो योक का बॉडी स्क्वाट टाइप होता है।
और 14 इंची वाला जो ट्यूब होता है उसका अंदर कुछ कुछ पीसीबी का अंदर ये 4G IC भी वो चल जाता है, या 4G IC भी चल जाता है। तब भी आप अल्ट्रा स्लिम ट्यूब होगा और स्क्वायर टाइप बड़ा कॉइल होगा तो वहाँ पर आपको ज़रूर 4.1 और 4.5 IC लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये IC लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो IC या IC ओनली एक ही सप्लाई का ऊपर ये ऑन हो सकता है और दोनों अलग सप्लाई भी हो सकता है। दोनों सप्लाई मतलब क्या होता है कि +14 वोल्ट और -14 वोल्ट, ये दोनों सप्लाई लाइन का ऊपर ही IC यूज़ होता है। तो किस तरह ये होता है ये आपको ड्राइंग का माध्यम से आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट आपको जो देखाऊंगा कि वर्टिकल IC को जो सप्लाई दिया जाता है चॉपर से हो सकता है और EST से हो सकता है, ठीक है। तो चॉपर से होगा तो ये देखिए चॉपर का ड्राइंग इस तरह होता है। चॉपर का जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए 110 वोल्ट, ठीक है, और ये डाइवर सप्लाई, ठीक है, और ये इन्वर्टर सप्लाई, ठीक है। इस तरह सप्लाई जो आउटपुट होता है कुछ भी एक सप्लाई लाइन से सप्लाई आउटपुट होता है जो वर्टिकल IC को दिया जाता है। और कुछ कुछ PCB के अंदर EST से वर्टिकल सप्लाई आता है। EST ऑन होने के बाद तब EST का दोनों पिन देखा जाता है, दोनों पिन से वो वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। और जिस EST से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है और दोनों सप्लाई होता है उसका ड्राइंग थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। कि मैं पिछले जो वीडियो में आपको ये पोजीशन को थोड़ा क्लियर कर दिया है, तभी ये सेम टाइप सिस्टम है कि -14 वोल्ट और +14 वोल्ट किस तरह वो आउटपुट होता है। तो EST का पिन पर आपको 22 वोल्ट AC, ठीक है, 2 वोल्ट AC, ठीक है, ये आसपास वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, 22 वोल्ट AC, ठीक है। तो ये AC वोल्ट जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है दोनों सप्लाई के अंदर लाइन का अंदर ही सेम वैल्यू का लो वैल्यू का रेजिस्टेंस 1 ओम्स हो सकता है, 2.2 ओम्स, 3.3 ओम्स, कुछ भी ये पोजीशन पर रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए प्लस सप्लाई वोल्ट के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस का बात है, डायोड देखा जाता है, ठीक है, और डायोड का ये जो लाइन जाता है ये सिंपल सा ड्राइंग है, सिंपल सा लाइन है। आप ये देखेगा तो ये बहुत ये क्या बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा ये सप्लाई लाइन है। अब देखिए ये सप्लाई डायरेक्ट चला जाता है ये लाइन का थ्रू, ये IC का 2 नंबर पिन पर, ठीक है, ये IC का 2 नंबर पिन है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये सप्लाई और एक पिन पर जाता है, बीच में और एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड का थ्रू ये जाता है 6 नंबर पिन पर, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली ये जो थोड़ा पिन वोल्टेज मैं लिख के रखा है आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगा, तब भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो EST से जो वोल्टेज आता है ये थोड़ा 14 वोल्ट के आसपास भी हो सकता है, 15 वोल्ट भी हो सकता है, 13 वोल्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा 1-2 वोल्ट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये पिन पर मान लो 14 वोल्ट है, ठीक है, तो मैं ड्राइंग में जो देखा ये 13 वोल्ट दिखाया, ठीक है, +13 वोल्ट। तो इसका ऊपर इसका टोटल वोल्टेज ये डिपेंडेड है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 13 वोल्ट है और ये 13 वोल्ट जब ये डायोड का इधर जाएगा तो वो वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस का सॉरी सीरीज डायोड का बजाय थोड़ा वोल्टेज डाउन होता है, और यहाँ से और एक डायोड सीरीज करेगा तो वो वोल्टेज और थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नियम है। तो दोस्तों ये तो बीच में जो डायोड है यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ पर मिलता है 13 वोल्ट के आसपास, तो इसी का हिसाब से ये डायोड का ये पॉजिटिव साइड पर वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है कि 12.5 वोल्ट और 4 वोल्ट के आसपास जो वोल्ट ये 6 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। तो ये तो सप्लाई लाइन क्लियर हो गया। और उसके बाद चलिए आपको नेगेटिव सप्लाई दिखाऊंगा कि दोस्तों यहाँ पर AC सप्लाई सेम वोल्ट दिखा जाता है और इसका जो ये बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर जो डायोड ये उल्टा करके कनेक्शन दिखा जाता है, ये डायोड दोनों का डायोड का ही नंबर सेम होता है, ठीक है। और ये जो डायोड देखिए जब उल्टा करके कनेक्शन है तो डायोड के ये पोजिशन पर आपको -वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, माइनस वो 13, 14 और 15 वोल्ट के आसपास। और ये जो वोल्टेज जाता है देखिए ये सिंपल सा ड्राइंग है, सिंपल सा लाइन है, ये जो वोल्टेज ये इधर से जाता है कि 4 नंबर पिन पर, IC का 4 नंबर पिन पर, ठीक है। एक्चुअली कुछ भी IC प्रॉपर काम करने के लिए प्रॉपर वोल्टेज आना चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो वो अलग सा प्रॉब्लम देखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन सप्लाई वोल्टेज जो जाता है ये आपको मेन नेगेटिव वोल्टेज सब कुछ दिखा दिया,
जब ये सब कुछ वोल्टेज प्रॉपर जाएगा तो ये आईसी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दोस्तों प्रॉपर वोल्टेज मतलब क्या होता है, कुछ भी रीजन से ये डायोड लीकेज हो सकता है, ठीक है, ये डायोड लीकेज हो सकता है। लीकेज के बजाय ये पॉइंट पर जो एसी वोल्टेज मिलता है, एसी वोल्टेज थोड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आने के बाद भी वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा, उसी के बजाय हॉरिजेंटल लाइन की प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह ये डायोड भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइन का अंदर कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्टेज ग्राउंड पर चला जाएगा, और लीकेज भी होगा तो तब भी इसका जो प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए ये नहीं मिलेगा, और वोल्टेज कम हो जाएगा, और तब भी ये आईसी का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है, पिक्चर छोटा भी हो सकता है और लाइनिंग भी आ जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये डायोड और ये डायोड का पोजीशन पर जो कैपेसिटर है ये भी सेम तरीके से ये काम करता है, लेकिन ये आईसी का जो वोल्टेज आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप एक बार इस टाइम देख लीजिए कि इसका एक नंबर पिन पर वोल्टेज 0.5 वोल्ट मिलता है, और दो नंबर पर ये तो सप्लाई आपको बताया +14 और 13 वोल्ट के आसपास, और तीन नंबर पिन पर -13 वोल्ट मिलता है, ठीक है, तो और फोर नंबर पिन पर -13.5 थोड़ा सा हाई वोल्टेज मिलता है, ठीक है, और इसका पाँच नंबर पिन पर 0 वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ये जो पाँच नंबर पिन देखिए ये योक कॉयल का साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये जो योक कॉयल का पॉइंट है, ये योक कॉयल वर्टिकल योक कॉयल का पॉइंट के साथ कनेक्शन है, ये पॉइंट पर 0 वोल्ट। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपको क्या बता दो, आपको और एक ड्राइंग देखाऊंगा, ये पॉइंट का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है, ठीक है, और ये आपको जो देखा तो प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई ये सर्किट के ऊपर, ठीक है। और दोस्तों इसका 6 नंबर पिन तो सप्लाई आपको बताया, जो ये डायोड का बाद वो सप्लाई जाता है, और इसका 7 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट सप्लाई आता है। दोस्तों ये 0.6 वोल्ट जो ये वोल्ट होता है, ये देखिए ये सर्किट का ड्राइंग थोड़ा अलग होता है, कुछ कुछ पीसीबी पर देखा जाता है, ठीक है, तभी यहाँ पर 5 वोल्ट और 8 वोल्ट लाइन से अलग सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको जो और एक बताऊँगा कि जो 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन पर एक सिग्नल आता है, ठीक है, एक आईसी से, ठीक है, मेन जो प्रोसेसर आईसी है वो आईसी से एक सिग्नल यहाँ पर इन होता है, और बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा जाता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का बाद ये 1 नंबर पिन पर सप्लाई जाता है। और दोस्तों ये जो सिग्नल, ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, आप रिमोट से सर्विस मोड ओपन करके जब वर्टिकल को जो हाइट वर्टिकल साइज वर्टिकल जो एडजस्ट वो जो करते हो तो उसी का टाइम ये लाइन सिग्नल भेजता है वर्टिकल आईसी को, ठीक है, वर्टिकल आईसी को ये लाइन सिग्नल भेजता है, और ये जो सिग्नल जाता है ये आईसी के एक नंबर पिन पर, और बीच में और एक जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का थ्रू ये जाता है, ये जो रेजिस्टेंस का थ्रू ये जाता है ये कॉयल का एक पिन पर, ठीक है, और ये जो ये कॉयल का एक पिन है ये पिन पर जाता है और एक नंबर पिन पर जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ भी रीजन से ये रेजिस्टेंस काट जाएगा और ये रेजिस्टेंस काट जाएगा तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम दिखा जाएगा। तो ये दो पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस का ऊपर बहुत दोस्त ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू 10K के आसपास होता है, ठीक है। तो चलिए ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू आप गूगल पर सर्च करेगा तो आईसी डाटा सीट तो उसका अंदर इसका वैल्यू सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको जो और एक पॉइंट बताऊंगा कि ये जो अलग सप्लाई लाइन होता है, बीच में एक 5 वोल्ट और 8 वोल्ट लाइन से सप्लाई आता है, बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये भी अधिकतर काट जाता है, और ये काट जाने के बाद भी प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसी का रीजन से भी वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम देखा जाता है, ये आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको और इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों उसका बाद ये जो वोल्टेज मैं लिख के रखा आप ये देख सकते हो, ये अलग अलग पिन वोल्टेज है, 1 2 3 4 5 6 7 सातों पिन वोल्टेज में यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है, तब स्क्रीन कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसका बाद आपको देखूँगा कि जो ओनली एक सप्लाई वोल्टेज आईसी पर दिया जाता है, इस तरह वो सर्किट में बना के रखा है,
क्योंकि ये जो आईसी और ये जो आईसी दोनों अलग देखा जाता है, लेकिन दोस्ती अलग नहीं है, एक ही आईसी का ड्राइंग है, ठीक है। लेकिन इसका सप्लाई वोल्टेज थोड़ा अलग है, अब ध्यान दीजिए, स्क्रीन कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आईसी पर प्लस ओनली प्लस वोल्ट दिया जाता है, और वो जो प्लस वोल्ट होता है चाइना पीसीबी के अंदर मेनली, अब चाइना पीसीबी का तो जो सप्लाई आपको सबको पता है कि ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर ट्रांसफार्मर से दिया जाता है। तो दोस्तों मान लो ये जो लाइन है, आपको जो ये लाइन बात है, ये लाइन के बारे में, ये सेम तरह है लेकिन ये अलग सा है। चॉपर से जो वोल्टेज आता है, ये ईएसटी सप्लाई होता है, सॉरी ईएसटी सप्लाई होता है, और ये जो सप्लाई जाता है ये सप्लाई से, सॉरी ये सप्लाई ये वर्टिकल आईसी को दिया जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल आईसी को दिया जाता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये डायोड का पास, मान लो ये डायोड है और ये डायोड का पास ये लाइन पर ही देखा जाता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लाइन से आर एक्स सप्लाई अलग सेक्शन पर चला गया, कि वो जो सप्लाई होता है कि डाइवर पर, ठीक है, डाइवर ट्रांसफार्मर पर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सप्लाई इनपुट हो गया ये डायोड का थ्रू, तो बाकी सभी सेम ही है, लेकिन ये आईसी को नेगेटिव सप्लाई नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए इसका वोल्टेज थोड़ा अलग हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो सप्लाई जाता है ये +14 वोल्ट का सप्लाई सेम ही है, ये 2 नंबर पिन पर दिखे, 2 नंबर पिन पर इन हो जाता है, और उसका बाद बीच में आर एक डायोड देखा जाता है और ये 6 नंबर पिन पर चला जाता है। तो इसी का हिसाब सबको जो देखूंगा कि चाइना किट का आईसी का जो वर्टिकल सप्लाई 26 वोल्ट का आसपास होता है, तो दोस्तों ये वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, 25 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, 27 वोल्ट भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, ठीक है, तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है। तो ये वोल्टेज जितना इनपुट होता है उसी का हिसाब से टोटल आईसी वोल्टेज इधर उधर हो सकता है। अब ये 20 वोल्ट इनपुट करके जो सप्लाई आपको दिखाता हूँ, इसी का ऊपर ये पिन वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेन सप्लाई 2 नंबर पिन पर इन होता है 26 वोल्ट, और वो सप्लाई जब आर एक डायोड सीरीज डायोड का पास हो जाता है, वो थोड़ा डाउन होने के बाद ये 25 वोल्ट के आसपास हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों उसका बाद आपको जो और दिखाऊंगा कि इसका 1 नंबर पिन देखिए 3.3 वोल्ट, ठीक है, और 3 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट, ठीक है, और इसका 4 नंबर पिन ग्राउंड है नेगेटिव, ठीक है, और इसका 5 नंबर पिन 12.5 वोल्ट, ठीक है, और इसका 6 नंबर पिन आपको बताया, और इसका 7 नंबर पिन 3.3 वोल्ट। तो चलिए आपको ये जो आईसी, दोनों आईसी देखा है, दोनों आईसी सेम नंबर का आईसी है, लेकिन वोल्टेज फर्क आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत वोल्टेज फर्क है, क्योंकि ये आईसी पर एक ही सप्लाई दिया गया है, और ये आईसी पर प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट दोनों अलग सप्लाई दिया गया है। तो दोस्तों चलिए उसका बाद इसका जो इनपुट सिग्नल जो आईसी से जाता है ये तरीका सेम है, ठीक है। ये जो सिग्नल जाता है ये आईसी का 1 नंबर पिन पर जाता है, और ये देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये कॉइल का पास जाता है, बीच में कैपेसिटर देखा जाता है, जो 1035 वोल्ट का जो कैपेसिटर देखा जाता है, वो कैपेसिटर का एक पिन पर, ठीक है, और वो कैपेसिटर से रेजिस्टेंस ग्राउंड पर देखा जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस भी अधिकतर काट जाता है, ये काट जाने का बाद हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है, और जब हॉरिजेंटल लाइन जब मॉनिटर ट्यूब पर कुछ भी न्यू पीसीबी लगाएगा वो अधिक नहीं बढ़ेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पोजिशन का वैल्यू आप थोड़ा सा चेंज करके वो हाइट आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेनली ये जो पोजिशन पर रेजिस्टेंस है ये 1 ओम्स 2.2 2 ओम्स 3.3 ओम का आसपास है, लेकिन और ज़्यादा हाइट करना चाहता हो, जो हाइट बढ़ाना चाहता हो, ये पोजिशन का 47 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंदर ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस देखा जाता है, कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा तो वर्टिकल सेक्शन का बहुत कुछ क्रिटिकल फॉल्ट देखा जाता है, ये भी आपको चेक करके देखना होगा। तो ये आईसी का डाटा शीट भी आप गूगल पर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अधिकतर जो फॉल्ट देखा जाता है इसका ऊपर आपको बताऊंगा कि ये आईसी का जो 7 नंबर पिन है, देखिए यहाँ पर 3.3 जो वोल्ट जो मिलता है, बीच में एक रेजिस्टेंस से सप्लाई जाता है, और ये जो सप्लाई आता है ये चाइना किट के अंदर जो देखा जाता है
वो 8 वोल्ट सप्लाई लाइन से वोल्टेज इन होता है और बीच में ये रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। और मैं अभी गूगल पर एक बार सर्च करके देखा है कि वो 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर 10K रेजिस्टेंस दिखाया। दोस्तों 8 वोल्ट जाएगा तो यहाँ पर आप 10K और 15K भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों चलिए उसका बाद आपको और इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मैं ESD से आपको बताया, क्योंकि ये सप्लाई मेन पावर चॉपर से भी आउटपुट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जो मैं चॉपर का ड्राइंग करके रखा है, मान लो ये चॉपर के ये पॉइंट से 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हो गया है, ठीक है। और जरूर ये जो डायोड पावर सेक्शन के अंदर देखा जाता है, एक डायोड इस तरह उल्टा करके कनेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ये उल्टा करके डायोड देखने को मिलेगा तो ये नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और ये वोल्टेज ये लाइन पर जो ये लाइन होता है ये लाइन पर इनपुट होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो चलिए मेनली कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट आपको शेयर करूँगा ये सेक्शन का, कि चाइना किट के अंदर जो देखा जाता है मेन जो प्रोसेसर आईसी, ठीक है, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी का जो बहुत पिन होता है, ये आईसी का एक 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन, ये दोनों जो पिन होता है ये दोनों पिन का अंदर अलग 5 वोल्ट, ठीक है, अलग 5 वोल्ट इनपुट होना चाहिए। जब ये 888 का जो आईसी होता है, जो चाइना किट का अंदर देखा जाता है, तो वो आईसी का 36 और 47 नंबर पिन पर जब 5 वोल्ट नहीं आएगा तो तब ये जो सिग्नल जो भी सिग्नल, ठीक है, ये जो भी सिग्नल आईसी पर जाता है ये सिग्नल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर सिग्नल नहीं आएगा तो इसी का रीजन से भी हॉरिजेंटल लाइन आता है, तो ये पॉइंट को अधिकतर टेक्नीशियन ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब यहाँ पर वोल्टेज आप चेक करेगा जरूर कुछ वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट ये पिन पर 5 वोल्ट मौजूद नहीं होगा तब भी ये पॉइंट पर वोल्टेज देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत टेक्नीशियन को डाउट आ जाता है कि यहाँ पर तो वोल्टेज है, तो तब भी आपको जब बताता हूँ ये चेक करके देखिए तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 वोल्ट जो आता है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है वहाँ से आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो और एक ट्रिक बताऊँगा कि ये जो सप्लाई डायोड होता है, ये जो सप्लाई डायोड होता है यहाँ से जो सप्लाई जाता है सब कुछ वोल्टेज ओके है, लेकिन कुछ भी वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं है, तब भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम वो देखा जाता है, ये जो डायोड आप देख रहे हो, ठीक है, ये डायोड लीकेज होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। ये डायोड का ओपन करके चेक करेगा तो तब भी ये सही दिखाएगा, ओके दिखाएगा ये डायोड, ठीक है। तो ये डायोड को आपको जरूर ओपन करके न्यू डायोड एक लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप 159 डायोड लगा सकते हो, ठीक है, 10J डायोड लगा सकते हो, 15J डायोड लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन 4007 डायोड यहाँ पर अधिक दिन तक वो नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम तरह ये पोजीशन पर भी एक डायोड है, ठीक है। तो उसका बाद आपको एक लास्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताऊंगा कि वो वीकॉन, ठीक है, वीडियो कॉन टीवी का जो फॉल्ट है, जो एच लाइन फॉल्ट, ठीक है, जो एच लाइन फॉल्ट टीवी पर सप्लाई देने का साथ साथ इस तरह एक लाइन आ जाता है, तब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के भी दिक्कत आ जाता है, क्योंकि उसका एक रीजन है आपको बताता हूँ कि वीडियोकॉन एक चैसिस है, अभी याद नहीं है कि उसका मॉडल नंबर क्या है, तब भी आपको बताता हूँ कि वो वीडियोकॉन टीवी का, ठीक है, उसका जो ESD का फोकसिंग पिन थोड़ा हाई होगा तो ESD सप्लाई देने का साथ साथ इस तरह लाइन आ जाता है, और आपका दिमाग में यही चलेगा कि ये वर्टिकल सेक्शन का कुछ भी फॉल्ट है, लेकिन दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। जब ये टीवी को आप स्टैंड बाई से ऑन करेगा, ठीक है, स्टैंड बाई से ऑन करेगा, ऑन करने का साथ साथ इसका लाइट फुल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली वीडियोकॉन चैसिस के अंदर इस तरह फॉल्ट में खुद मेरा मैं मिला है, ठीक है, मैं देखा है, ठीक है दोस्तों, तो आप वो जरूर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जरूर कुछ नॉलेज मिला है, और इसका वोल्टेज आप एक बार कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है, और ये आईसी का वोल्टेज भी आप एक बार कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। और आप ये वीडियो नहीं देखा है तो ये जो 4865 का आईसी का जो वीडियो, ये जो आप नहीं देखा है तो
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर में ये आईसी के बारे में डिटेल्स में बहुत कुछ बताया। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए उसका बाद आपको पीसीबी लेके आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो वर्टिकल आईसी के बारे में आपको जो बताया, ये वर्टिकल आईसी ओनली एक ही सप्लाई इनपुट होता है जो चॉपर से, ये जो डायड है ये डायड से 26 वोल्ट सप्लाई जाता है, और ये जो सप्लाई लाइन बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये जो सप्लाई देखिए ये जो जाता है, ये जो फॉयल लाइन चेक करना पड़ेगा, तो ये आईसी का एक पिन पर आता है, ठीक है, ये आईसी का 2 नंबर पिन पर आता है, और बीच में ये जो डायोड दिखा जाता है, जिस डायोड के बारे में आपको बताया कि ये डायोड आप ओपन करके चेक करेगा तब भी ओके दिखाएगा, लेकिन ये डायोड लीकेज होने के बाद भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम दिखा जाता है, ये डायोड को आपको न्यू लगा के दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको और एक सप्लाई देखाऊंगा कि ये जो 7 नंबर पिन पर जो सप्लाई आता है, ये लाइन को आपको अच्छा करके चेक करेगा, तो आप देख सकते हो कि आपको दिखाता हूँ कि ये जो लाइन जाता है, देखिए ये जो लाइन जाता है, ये जो लाइन आप अच्छा करके चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देखिए 8 वोल्ट सप्लाई लाइन का साथ कनेक्शन है, ये जो 8 वोल्ट आता है देखिए, ये एक रेगुलेटर, ये एक रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, तो ये 8 वोल्ट लाइन से रेजिस्टेंस का तो सप्लाई नहीं आएगा, तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस भी अधिकतर काट जाता है। और दोस्तों ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, यहाँ से जो वोल्टेज जाता है, ये आईसी का 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन, ठीक है, ये जो लाइन जाता है 47 नंबर पिन पर, तो ये वोल्टेज मिसिंग होने के बाद तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम देखा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये जो वी आउट का पॉइंट है, ठीक है, ये 15-16 नंबर जो पिन है वी आउट का पॉइंट, आप देख सकते हैं पर पिन है, ये जो लाइन जाता है देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी फॉल्ट हो सकता है, अधिकतर देखा जाता है, तो ये जो लाइन जाता है बीच में ये जम्पर है, और ये बीच में जो जम्पर ये लाइन जो जाता है देखिए, ये आईसी का पिन पर आता है, ये सिग्नल इनपुट का पॉइंट है, तो ये सब कुछ आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ आप आईसी चेंज करके और सप्लाई कैपेसिटर दो चेंज करके बताइए कि इसका सब कुछ वोल्ट ओके है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब पूरा आईसी का वोल्टेज चेक कीजिए, मैं सब कुछ वोल्टेज आपको दिखाया, और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम आएगा, कि इस तरह लाइन प्रॉब्लम आएगा, तो जरूर ये आईसी को आप टच कीजिए इस तरह, ठीक है, इस तरह टच करने के बाद अब स्क्रीन पर फॉलो कीजिए कुछ भी रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। मान लो इस तरह आईसी को टच करने के बाद स्क्रीन पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसीलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये आईसी खुद प्रॉब्लम हो सकता है, और ये आईसी का जो सप्लाई होता है, जो इनपुट सप्लाई होता है, ये सप्लाई प्रॉब्लम हो सकता है, और एक जो प्रॉब्लम इसका आउटपुट, ये जो आउटपुट कॉयल है, ये कॉयल भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये जो लाइन जाता है बीच बीच, ये जो लाइन जाता है, ये लाइन को आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा, ये कॉयल का जो रीजन, जो सर्किट में आपको आउटपुट सेक्शन का पार्ट्स दिखाया वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और आईसी टच करने के बाद स्क्रीन थोड़ा वो हिल रहा है कि वो थोड़ा बढ़ रहा है, इस तरह सिम्टम आएगा, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये जो आईसी से सिग्नल यहाँ पर जाता है, ये सिग्नल लाइन का फॉल्ट है, ये सिग्नल लाइन का साथ जो जो पार्ट्स कनेक्ट है वो सब कुछ आपको चेक करके देखना पड़ेगा, और इसका जो 5 वोल्ट इनपुट पॉइंट है ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो आपको एक बता दिया, एक सिगरेट फॉल्ट आपको पूरा ही क्लियर कर दिया, और आपको जो बता, और एक पीसीबी लेके देखाता हूँ कि ये पीसीबी मेरे पास अभी मौजूद है, कि आपको बताया कि जो कुछ कुछ वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज चॉपर से आउटपुट होता है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 चॉपर 6 डायोड है, ठीक है, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिए, ये एक डायोड देखिए इसका पॉजिटिव साइड उल्टा है, ये उल्टा करके एक डायोड कनेक्शन है, आप ध्यान दीजिए, और बाकी सब ये जो डायोड का साइड, ये पॉजिटिव साइड देखिए ये इधर है, और लेकिन ये जो डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड देखिए अंदर है, क्योंकि ये पॉइंट पर माइनस वोल्ट होता है, जो वर्टिकल आईसी का माइनस वोल्ट ये पॉइंट से आता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिला है।
दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।